एक बार फिर आमने सामने होंगे दो दिग्गज। जी हां, एपी सिंह और सीमा कुशवाहा की होगी टक्कर एक बार फिर से। आपको याद होंगे दोनों नाम निर्भया के बाद गुड़िया केस में दोनों आमने सामने होंगे। निर्भया का केस लड़ने वाली सीमा कुशवाहा और उस वक्त जो आरोपी थे जो फांसी के फंदे पर लटके उनका केस लड़ने वाले एपी सिंह आमने सामने होंगे एक बार फिर से। दोनों सीमा कुशवाहा लड़ेंगी पीड़ित पक्ष का मुकदमा, एपी सिंह लड़ेंगे हाथरस के आरोपियों का केस। क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को किया नियुक्त, केस में आरोपियों की वकालत करेंगे एपी सिंह। हाथरस केस को लेकर देश में मचा है हंगामा और इस हंगामे के बीच दो बड़े चेहरे जो निर्भया केस में सामने आए थे दोनों वकील अब एक बार फिर से सामने आएंगे, आमने सामने होंगे। यूपी के हाथरस में हुई घटना के बाद विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमला बोला, वहीं अब सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ, जाति दंगे करवाने की साजिश रची गई। इन सब के बीच एक और जो घटना अब सामने आ रही है वो ये कि दलित वर्ग लामबंद हो रहा है, दूसरी ओर कुछ संगठन आरोपियों के तरफदार बनते दिखाई दे रहे हैं। निर्भया केस में सभी बलात्कारियों का केस लड़ने वाले वकील एपी सिंह अब हाथरस केस में आरोपियों की तरफ से वकील के तौर पर केस लड़ेंगे। आरोपियों की वकालत के लिए एपी सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा वकील नियुक्त किया गया है। तो एक बार फिर से एपी सिंह के सामने सीमा कुशवाहा होंगी जो पीड़ित पक्ष का केस लड़ेंगी। हाथरस केस में एपी सिंह लड़ेंगे हाथरस के आरोपियों का केस, जिन पर आरोप लगे हैं उनका केस लड़ेंगे एपी सिंह। निर्भया के आरोपियों का केस लड़ने वाले एपी सिंह हाथरस की गुड़िया के आरोपियों का केस भी लड़ने जा रहे हैं। हाथरस केस को लेकर देश में हंगामा और संगामे के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। एपी सिंह और सीमा कुशवाहा एक बार फिर से आमने सामने होंगे, दोनों की एक बार फिर से टक्कर होने जा रही है। सीमा कुशवाहा लड़ेंगी पीड़ित पक्ष का मुकदमा तो एपी सिंह लड़ेंगे आरोपियों का केस। एपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। एपी सिंह साहब R9 टीवी में आपका स्वागत। आपने एक बार फिर से फैसला लिया है, निर्भया के तमाम आरोपियों का केस आपने लड़ा और काफी चर्चाओं में आप उस वक्त भी रहे, और आप हाथरस में गुड़िया के आरोपियों का केस आप लड़ेंगे। फोन और ये सब, और अभी पीछे कल से मीटिंग चल रही थी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और विभिन्न संगठनों की जी, तो उनकी तरफ से, सबकी तरफ से और उनके परिवार वाले लगातार आ रहे थे, तो सबका प्रेशर था, तो ये मुझे लड़ना पड़ रहा है, लड़ूंगा जी। आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं एपी सिंह साहब, क्योंकि आपके पास काफी तजुर्बा है और खासकर निर्भया वाले केस में जिस तरीके से आपने केस लड़ा और आपके सामने सीमा कुशवाहा थी और यहाँ पर भी पीड़ित पक्ष का केस सीमा कुशवाहा ही लड़ेंगी। उनकी बात और है, देखिए वो तो अलग है, उनका तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की वजह से या किसी से नहीं, कौन है हमारे अपोजिट में स्टेट है, सरकार है जी। और जब स्टेट का केस होता है, FIR होती है, तो उसमें सरकार होती है, कोई दूसरे लोग नहीं होते, ना निर्भया में वो थी ना इसमें वो है जी। उसमें भी सॉलिसिटर जनरल होते थे, अटॉर्नी जनरल होते थे, तुषार मेहता जी होते थे और सब सिद्धार्थ लूछा जी होते थे, ये सब होते थे, लेकिन हाँ ठीक है, सब बढ़िया, जिसको जो साथ लेके घूमे, जो साथ लेके घूमने वाला भी तो वही होता है ना, वो बात अलग है, चलिए वो तो खैर छोड़िए, लेकिन हाँ ठीक है, केस लड़ना है मुझे, केस लड़ूंगा पूरी लगन ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ लड़ूंगा जी। और केस में जो हुआ हो रहा था वो आप सबको जग जाहिर है, पहले क्या आरोप लगा दिए गए, रेप कह दिया गया, उसके बाद फिर SC ST भी हो गया और ये हो गया, फिर बाद में रिपोर्ट आती है, स्पेशल रिपोर्ट आती, रेप नहीं हुआ, झगड़ा था, उसके भाई ने ही मारा उसे, अफेयर था, अफेयर की वजह से मारा, तो ये सब चीजें हैं, बहुत सी चीजें सब आपके द्वारा ही पता चल रही हैं और अब पता चल जाएगा, उसमें अब डॉक्यूमेंट को देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है वो भी है, सब चीज है, ठीक है, अच्छी बात है, पुलिस अपना काम कर रही है। और दूसरी अच्छी बात है, माननीय योगी जी ने CBI जांच की भी अनुशंसा कर दी है, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है केंद्र भी CBI मांग को स्वीकृति देगा और CBI जांच होगी, हमारे देश की सबसे उच्च जांच एजेंसी है
सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, लोगों की इच्छा है नहीं है, नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, पोलीग्राफी टेस्ट भी होनी चाहिए और सारे टेस्ट होने चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन है, इसमें होना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हाँ, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। किसी केस को जब लेकर राजनीति होती है तो वहां न्याय की उम्मीद कम रह जाती है, इसलिए वहां राजनीति नहीं होने देना चाहिए। आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, आपका चैनल इस प्रभाष में बहुत देखा जाता है अपना, तो उसके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को सबको कि राजनीति नहीं करना चाहिए। जैसा योगी जी ने जांच का विषय है, जांच का लोगों को ये था कि एसपी ने गलत किया, डिप्टी एसपी ने गलत किया, ये कर दिया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, लोगों की भावनाएं ही जनहित में होनी चाहिए, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होती है, लोकतंत्र की यही परिभाषा है, डेमोक्रेसी है, तो ऐसे में ठीक है। लेकिन केस को कभी भी मीडिया ट्रायल नहीं होने देना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हाथरस को पिकनिक स्पॉट नहीं बनने देना चाहिए, लोग वहां सेल्फी लें और अपनी फेसबुक आईडी लाइव करें, हम हाथरस हैं, स्टेशन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये चीजें नहीं है। एक बेटी की मौत हुई है, चाहे उसके भाई से हुई, चाहे उसकी माँ से हुई, हमें जानना पड़ेगा गलत हुई मौत, मौत नहीं होनी चाहिए और उस पर पहले से नियंत्रण रखना चाहिए। अफेयर, लव अफेयर, जिसको मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, इन चीजों की कोई जगह नहीं हमारे समाज में। बिल्कुल जी। एपी सिंह साहब हमारे साथ, जब हम सार्वजनिक जीवन में या अपने निजी जीवन में काम करते हैं तो तमाम सफलताएं हमारे साथ चलती हैं, नाकामियां हमारे साथ चलती हैं, और ऐसे में जिस दौर में आप निर्भया का केस लड़ रहे थे उस दौर में भी आपके जो तेवर थे वो इसी तरह के थे, तल्ख थे, और आप ये बड़े जब डिफेंड कर रहे थे तो बड़े पावर के साथ कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वाहवाही सीमा कुशवाहा लूट गई और सजा उसमें आरोपियों की हो गई, और ऐसे में इस केस को लेकर जब आप आरोपियों का केस लड़ने जा रहे हैं उस वक्त भी सबकी नजरें आप पर ही हैं। देखिए, कोई केस वाहवाही के लिए नहीं होता है, व्यक्ति का जीवन जुड़ा होता है, उसके परिवार का जीवन जुड़ा होता है, वो देखते हैं। अब बच्चे सबके एक जैसे होते हैं और दोषी है वो भी माने नहीं माने, क्या होता है क्या नहीं, ट्रायल का विषय है, जांच होगी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा रहना चाहिए। किसे बाबाई, क्या बाबाई किसी को मार देने से बाबाई मिल जाती है क्या, क्या उसको मार देने से बाबाई मिल जाती, बाहबाई का विषय है ही नहीं। नहीं, सवाल एपी सिंह साहब, बस वो एक सवाल ये था कि आरोपियों के पक्ष में आप खड़े हैं, आरोपियों केस लड़ेंगे, वहां पर इसको कमजोरी के तौर पर ही देखा जाएगा कि आपने मात खाई और उसके बाद आप फिर से आप आरोपियों का केस लड़ने जा रहे हैं, इस तरीके से सवाल। मेरे पास आएगा, देखिए जो मेरे पास आएगा मैं उसी का तो केस, मैं जाऊंगा तो नहीं ना, मैं जाके तो नहीं कहूंगा जाके मैं लड़ूंगा, मैं तो नहीं कर सकता ना ये, मैं और लोगों की तरह तो नहीं हूं ना, आप जानते हैं मेरे बारे में, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे विचार, मेरे परिवार के बारे में, मेरा इतिहास, मेरा वर्तमान जानते हैं आप, तो मैं इसको नहीं कर सकता ना कि जाके मैं अधिकारियों से लड़ू, नहीं मुझे लड़ना है, मैं जाऊंगा, नहीं अच्छा लगता। बार काउंसिल नहीं कहती है, हमारी बार की सभ्यता है, डिग्निटी है, जो बार बार आ रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास व्यस्तता थी, सच्चाई है, क्योंकि केसों में बहुत टाइम लगता है, व्यस्तता इतनी अधिक थी, तो मैं सोच रहा था मैं कैसे टाइम निकालूं, लेकिन परिवार वालों को तो मैं मना करता रहा, लेकिन जब अखिल भारतीय छत्री महासभा और छत्रियों के 52 संगठन इकट्ठे होकर इस बात को कहें, और मेरे पिता तुल्य उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मानवेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री रहे, माननीय दिग्विजय सिंह राजस्थान बांकानेर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, महेंद्र सिंह तमर जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग जो 70-80 साल के लोग हैं, अब घर पे आके मुझसे कहें कि नहीं आपको लड़ना है, आपको कितनी फीस चाहिए, हम देंगे, सब देंगे इकट्ठा करके, फिर मैं कैसे मना कर सकता था। ठीक, एपी सिंह साहब, अब आप केस लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में चर्चा में आप रहेंगे और अक्सर आपसे बातचीत होती रहेगी इस दरमियान, लेकिन शुरुआती तौर पर आप इस हाथरस के कांड को, इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं, आप आपके नजरिए से जानना चाहेंगे। नजरिया तो मुझे दिखा, उस पर राजनीति हो रही थी, 2022 के चुनाव के लिए लोग तैयारियां कर रहे थे, शीला दीक्षित जी के साथ जैसे निर्भया केस में हुआ ऐसा लोगों का प्लान बन गया, लोगों का उद्देश्य बन गया कि 2022 का चुनाव हम बेचारी मनीषा के बल पे जीत लेंगे, पलट देंगे सरकार, लेकिन ये केस सरकार को पलटने के लिए नहीं है, ये सब केस अपने अंदर झांकने के लिए है कि हम कैसे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, कैसे बेटी बेटियों को पाल रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं, कैसे बड़ा कर रहे हैं, कौन उनकी रक्षा करेगा, आज जमाना आ गया, बेटा बेटी सब एक समान,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटा भी पढ़ाओ, बेटे को भी संस्कार दो। और इसीलिए मैं कहता रहा हूँ कि पुरुष आयोग अगर हो तो नहीं। एपी सिंह साहब एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मेरे पास जी ज्यादा वक्त है नहीं है। एपी सिंह साहब, ये बातें जो आपने अभी कही कि हम समाज कैसा बना रहे हैं, एपी सिंह साहब आप एक वरिष्ठ वकील हैं और इस तरीके से मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूं कि ऐसे आरोपियों का, ऐसे बलात्कारियों का जिन पर आरोप ये लगता है, इनके साथ समाज को खड़ा नहीं होना चाहिए, समाज को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन आप जैसे वकील ही ऐसे लोगों का केस लड़ते हैं, चाहे बाद में जाकर सजा हो या नहीं वो बात अलग है। कहां से पुष्टि कर दी आपने, बलात्कार की कहां से पुष्टि कर दी जी? आपने कहां से अपने आप कर लिया? जब प्यार था दोनों में तो एससी एसटी कमीशन कहाँ था? एससी एसटी की बात क्यों नहीं की तब उस समय जब प्यार हो रहा था, जब फोनों का लेन देन हो रहा था, जब फोन आपस में दिए लिए जा रहे थे, तब कहाँ था एससी एसटी कमीशन? आज लोगों को हरासमेंट करने के लिए एससी एसटी कमीशन का दुरुपयोग किया जा रहा है, यही तो डर है। कानून बनते हैं तो उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है, मिसयूज ज्यादा होने लगता है। आपने वक्त निकाला एपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे आपसे बातचीत होती रहेगी। आप इस केस से जुड़ चुके हैं और ये बड़ी खबर है कि निर्भया के आरोपियों का केस लड़ने वाले एपी सिंह साहब अब हाथरस में गुड़िया के आरोपियों का केस भी लड़ने जा रहे हैं।